जैसा कि हम लोग कर रहे हैं कैश बुक चैप्टर। ओके, तो कैश बुक में बेटा हम आज करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक मीन्स कि इसमें कैश का कॉलम भी आना और बैंक का कॉलम भी आना। ओके, दोनों तरफ, इसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। जैसे अक्टूबर फर्स्ट को हमने बैलेंस ऑफ कैश 3000, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000। तो बैलेंस किस लिख दिया, आपको पता है सबसे ऊपर टू बैलेंस डीडी। बेटा कितने किस्म का हम ये कैश और बैंक का लेजर बना रहे हैं, ये उसकी डेबिट साइड है कैश और बैंक की, ये क्रेडिट साइड है। जो भी हमारी कैश की ट्रांजेक्शन होगी वो कैश कॉलम में आ जाएगी, कैश की जो पेमेंट है वो इधर आएगी, जो चेक की रिसीव हमने तो चेक रिसीव की है तो डेबिट साइड आ जाएगा बैंक कॉलम में, कोई हमने पेमेंट किया चेक से तो वो डेबिट साइड आ जाएगा बैंक कॉलम में। यहाँ से फिर आप बैलेंस दोनों का निकालोगे, नीचे बैलेंस कैश का भी और बैंक का भी। पहला हमारा आ गया, हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है कैश का 15,000, टू बैलेंस डीडी कैश कॉलम में 15,000 और बैंक ने ओवरड्राफ्ट है यानी कि लाइबिलिटी है, तो वो फिर किधर आता है, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। जब भी ओवरड्राफ्ट हो तो वो डायरेक्ट साइड आना है बैंक कॉलम में 80,000। ओके, यदि होता ना कैश एंड बैंक तो भी किधर आता था। अब अक्टूबर 2nd को कैश सेल्स 44,800, इसमें इंक्लूड है CGST और SGST। तो हम लोग, हमें कैश सेल्स की है, हमारे पास कैश आ रहा है, जब कैश आ रहा हो ये होती है हमारी रिसीव साइड, जब कैश हमारा कम जीरो हो रहा है तो इधर, यदि कैश हमारा या बैंक हमारा गोज आउट है तो वो इधर आएगा। अब कैश सेल्स में हमारे पास कैश आ रहा है अक्टूबर 2 में, तो 2 क्या लिखेंगे, 2 सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं आना, क्योंकि ये रूल है लेजर का, जिसका भी लेजर बनाते हैं उसका नेम नहीं आता, उसका रिवर्स आता है। 2 सेल्स अकाउंट, कितना कैश सेल्स किया, कैश में सेल्स किया है तो कैश कॉलम में आएगा 44800। ठीक है, कैश में किया, इसके अंदर ही हमारा CGST भी है, SGST भी है, इंक्लूडिंग है। इसके बाद अक्टूबर 4 को फिर सैलरीज कैश में दी है, सैलरीज पेड की है तो कैश गोल्ड आउट हो रहा है तो इधर आएगा अक्टूबर 4, ये अक्टूबर 1st, तो बाय सैलरीज अकाउंट, तुम सैलरीज से हमारा कैश गोज आउट हो रहा है, कैश में दे रहे हैं इसलिए कैश कॉलम में आएगा। ओके, चेक से देते तो फिर बैंक में आता। अब अक्टूबर 8 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने जमा करवाए पैसे। अब देखो बैंक में जमा करवाए पैसे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनती है ना। अब देखो आपको पता है हम दोनों लेजर बना रहे हैं, बैंक का भी और कैश का भी, यदि ट्रांजेक्शन के अंदर दोनों इंक्लूड हो बैंक भी और कैश भी तो डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं इसे, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मीनिंग है जब कैश में हमारी जनरल एंट्री दोनों तरफ दिखाई जाएगी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो इस कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक टू कैश आई या कैश टू बैंक आई। कहने का मीनिंग, जिस ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक और कैश दोनों होंगे उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, तो दोनों तरफ ही आएगा। इस एंट्री के अकॉर्डिंग हम जमा करवा रहे हैं पैसे, बैंक इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट में आता है, डिक्रीज हो रहा है तो वो जो क्रेडिट साइड आता है। इसलिए बेटा ये देखो अक्टूबर 8 को कैसे करनी है कॉन्ट्रा एंट्री, टू कैश अकाउंट मिलकर अमाउंट हमारी बैंक कॉलम में आएगी 30,000, बैंक में चले गए पैसे, बैंक इंक्रीज हो रहे, ठीक है, टू कैश। उधर अक्टूबर 8 में जो सेकंड तरफ बाय बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिख के अमाउंट बैंक कॉलम में और बाय बैंक लिख के अमाउंट कैश कॉलम में, बाय बैंक अकाउंट लिख के अमाउंट कैश कॉलम में, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये देखो बैंक इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, कैश
एंट्री जा रहा है, दोनों तरफ एंट्री जब आएगी दैट इज कॉल्ड थ्रू एंट्री। इसके लिए हम लैटर फोलियो में इसके सामने सी से नोट करेंगे, इधर लिखेंगे सी ताकि पता चल जाए कि ये कॉल्ड एंट्री है। ओके बेटा, इसके बाद अक्टूबर टाइम को हम लैटर पेड कर रहे हैं तो फिर हमारा कैश क्लोज आउट हो रहा है, इधर आएगा अक्टूबर टाइम को बाहर एंड करता हूं। ओके, ये हम लोग चेक से दे रहे हैं। अब इसमें प्लस है, इसमें इंक्लूड था, इसमें इंक्लूड था तो हमने वही अमाउंट लिख दी। अब इसमें हमारा क्या है, प्लस है। अब क्या लिखोगे, एंट्री क्या बनाओगे, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एससीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बनाओगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लेसन में क्या आएगा, बाय रेंट अकाउंट बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी। ठीक है बेटा, इतने का रेंट है हमारा, हमारा रेंट है 18,000 का, चेक सिटी है तो बैंक कॉलम में आएगा 18,000। इसके ऊपर आप निकालोगे बेटा 6% हमारा सीजीएसटी, 6% हमारा सीजीएसटी आना है 1080 और एससीएसटी की 1080। ओके, तो नीचे रूल है हम लोग रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एससीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम बैंक का लेजर बना रहे हैं तो सारी वाई में जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे। ओके बेटा, इसके बाद हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, हमारा कैश गोज आउट है, एंट्री इधर ही जाएगी। ठीक है, गोज आउट है कैश हमारा पास, हमने गुड्स कॉस्टिंग इतने की गुड्स परचेज की है 20,000 की बाय चेक, इस पे लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस ये है। आपको पता है जब भी ट्रेड डिस्काउंट और जीएसटी इकट्ठा आ जाए तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट सोल्व करते हो, इसमें से ये माइनस कर देते हो क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते। ठीक है बेटा, इसमें से ये माइनस करते हो, जो अमाउंट आएगी फिर उस पर हमने आईजीएसटी लगाना है और उसे ऐड करना है, तो वो लिखना हमने टू बैंक के अंदर। आप परचेज कर रहे हैं तो बाय परचेजेस आ जाएगा, बाय परचेजेस अकाउंट और इसमें सीजीएसटी भी आना है, सॉरी आईजीएसटी के अंदर बाय इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। तो कितने की परचेजेस है बेटा हमारी, ये भी हमारा प्लस है तो अलग से लिखेंगे, 20,000 हमारे पास परचेजेस 20,000 की, बट ट्रेड डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस करके वो आ गया हमारे पास 18,000 का। ठीक है, 20,000 माइनस 2,000 तो इसके ऊपर अब हम लगाएंगे इनपुट आईजीएसटी, वो कितनी लगेगी हमारी 12% और दैट इज हमारी आएगी 2160। ओके बेटा, देन बेटा अक्टूबर 18 को फिर हमने गुड सोल्ड की है, इसमें कैश कम्स इन है, चेक से किया है तो बैंक में आएगा, अक्टूबर 18 को इधर आएगी हमारी ट्रांजेक्शन टू सील्स अकाउंट, एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सील्स अकाउंट और टू आउटपुट एससीएसटी अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है, ये आपको एंट्री सिखाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा और टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है बेटा, ये भी हमारा क्या है, ये भी प्लस है, 15,000 का हमारी गुड्स है, हम उसको 10% प्रॉफिट में बेचा है, पहले हम लोगों ने 15,000 में हम इसका 10% 1500 ऐड कर देंगे। ओके, ये हमारा बच जाएगा सेल प्राइस, तो वो लिखेंगे इधर 165, जो चेक से है ना तो इधर आएगा बैंक कॉलम में, चेक से आएगा तो बैंक कॉलम में, इसकी ऊपर लगाओगे अब सी जी एस टी एस सी एस टी 6%, तो वो बेटा आपकी आनी है सी जी एस टी एस सी एस टी 990। ओके, टू एंट्री बढ़ी हमारी, बैंक अकाउंट है अभी टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एससीएसटी अकाउंट। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट है अक्टूबर 22 को हमने बैंक से पैसा निकाला है,
कैश आ रहा है, कैश टू बैंक। अब देखो कैश टू बैंक ये भी हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों है। इस एंट्री में कैश और बैंक दोनों हो, बैंक टू कैश या कैश टू बैंक, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। ये एंट्री हमारी कैश की दोनों तरफ डिस्क्लोज होगी। वो कैसे, अब हमने निकाले थे जब जमा करवाए थे तो इधर बैंक भी आया था, उधर कैश भी आया, तो जब हम पैसे निकालेंगे तो इधर क्या आएगा, अक्टूबर 22 को ये देखो कैश टू बैंक है ना, तो टू बैंक लिख देना, हमने टू बैंक लिख देना, टू बैंक अकाउंट लिख के अमाउंट किसमें जाएगी बेटा, हमारी कैश कॉलम में 7000। हमारे पास यदि कैश इंक्रीज हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट, और उधर ही ये एंट्री अक्टूबर 22 डाल के इधर आ जाएगा बेटा बाय कैश अमाउंट, अमाउंट जाएगी बेटा हमारी बैंक कॉलम में, कैश आ रहा है और बैंक से जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री से हमने क्या लिखेंगे, सी, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आनी है उस कॉलम में सी आना है, ठीक है। देन अक्टूबर 23 को हमने कमीशन पे किया, इसके अंदर ही हमारा जीएसटी, तो हमने पे किया, वो चेक से पे किया, तो एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी बाय अक्टूबर 23 को क्या हमारा जा रहा है हमारा बैंक, तो बाय कमीशन इसके अंदर ही है। मैं आपको सिखा देती हूँ इंक्लूडिंग वो तो कैसे करते हैं, आना ये है इसके साथ एंट्री में बाय आई जी सी जी एस टी इनपुट सी जी एस टी और इनपुट एस जी एस टी, ये आना है, मगर ये इंक्लूड है इसके अंदर, प्लस नहीं है, ठीक है। इंक्लूड करके 6720, तो बेटा फिर क्या करना चाहिए हमें, मैं देखो सब कुछ सिखा देती हैं। 6720 मल्टीप्लाई बाय ये हमारा आ गया ना 6% ईच, 6 और 6 12 हो गया, 12% ऐसे कर लो 12 upon 100, 12 upon 100 12 जो भी ये आएगा उसका हाफ हाफ कर दोगे फिर दोनों में, ये फॉर्मूला लगाना हमने जब इंक्लूड हो, ठीक है। आर ऑन 100 प्लस आर वो लगाना हमने फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इकट्ठा आ जाएगा 12% के अकॉर्डिंग सी जी एस टी एस जी एस टी, फिर उसका हाफ हाफ कर लेंगे वो दोनों में लिखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हमारे पास क्या आएगी, कमीशन के अंदर हम लोग कमीशन पे कर रहे हैं तो 6,000 360 अभी मैंने एड्रेस खत्म हो गई, अब हमने इसको बैलेंस कर।